आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पूर्व सैनिकों के धरने का असर, और वो असर ये है कि अधिकारियों ने भी अब जवानों की उठाई आवाज। आवाज किसके ऊपर? ओआरओपी के अंदर जो विसंगतियां हैं उसके ऊपर। मिलिट्री सर्विस पे जवानों की बढ़नी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, इसके ऊपर। विडो की पेंशन के ऊपर, डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर, रिजर्विस्ट की पेंशन के ऊपर, एक्स ग्रुप पेमेंट में पेंशन में जो डिफरेंस है उसके ऊपर, इस तरह की जो विसंगतियां हैं उन सब के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लिखा गया है अधिकारियों के द्वारा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके धरने का असर है। अभी आप एक हुए नहीं हैं पूर्ण रूप से। जिस दिन आप पूर्ण रूप से एक हो जाएंगे तो उस दिन आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी इसी तरीके का रेस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो, राजनीति में संख्याबल का खेल होता है और 97 संख्याबल आपके साथ है। तो आइए देखते हैं क्या है वो लेटर, क्या लिखा है और किस किस मुद्दे पर किस तरीके से लिखा है। एक एक करके पूरा आपके सामने ये लेटर देखिए। 31 मार्च यानी कल का ये लेटर है, से शुरू हुई थी जेसीओ और जवानों के विसंगतियों के संदर्भ में। ओआरओपी 2014 वहां पर विसंगतियां हुई थी, और उसके बाद इक्वलाइजेशन इन ओआरओपी 2019। मुद्दे तीनों हैं ये उठाया है, और जो लेटर लिखा है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए लिखा गया है। और किसके द्वारा लिखा गया है? इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से लिखा गया है, और जिसमें रेफरेंस दिया है 28 जनवरी और 7 फरवरी 2023 का। यानी कि ये जब से रेफरेंस कब के हैं ये ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आपकी जो धरने की जो कॉल हुई, रिमूव ऑल एनोमलीज इन पेंशन टेबल्स एंड इश्यू करेक्टेड टेबल, यानी कि जो टेबल आई है इसको हटा दीजिए, जो सही टेबल बनती है उसको लाइए, पहला मुद्दा। दूसरा, फिक्स पेंशन फॉर जेसीओ ओआरस टू बी कैलकुलेटेड ऑन नॉशनल मैक्सिमम ऑफ द स्केल ऑफ द रैंक्स। 17 जनवरी 2013 को एमओडी का एक लेटर आया था पेंशन इन पॉलिसी मैटर से रिलेटेड, जिसमें नॉशनल में होना चाहिए, जो पेंशनर को पेंशन मिल रही थी उसकी पेंशन में 20% का इजाफा होना चाहिए। ये पॉइंट है, ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, लेकिन पहले ही उठ जाना चाहिए था, अब उठाए, देर आए दुरुस्त आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजर्विस्ट पेंशन के ऊपर बताया गया है, इसमें एक हैदराबाद AFT का केस था जो कि 2017 में डिसीजन आया था, उसके मुताबिक रिजर्विस्ट की जो पेंशन है वो बढ़नी चाहिए, उसके मुताबिक वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। Oh my God, पता है मुझे किस कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया है? पता है 11,424 ये उनका ऑर्डर था, और इसमें इन्होंने सर्कुलर नंबर 555 का रेफरेंस दिया है, इसके बारे में ये बताया गया है। दूसरा, मिलिट्री सर्विस पे बहुत इम्पॉर्टेंट, जिसके ऊपर बहुत दिन से कोर्ट में भी लड़ाई चल रही है, इसके लिए भी इन्होंने कहा है, जिक्र किया है ऑफिसर्स को कितनी मिलती है, नर्सिंग ऑफिसर्स को कितनी मिलती है, जेसीओ और जवानों को कितनी मिलती है, सारा डिटेल किया है। लेकिन एक चीज़ कही है इन्होंने, ये कहा है, और ये विदाउट एनी डिले नया जो करेक्ट जो सर्कुलर है वो जारी करना चाहिए इसमें करेक्ट करके। तो ये सारे पॉइंट हैं ये उठाए गए हैं जो जवानों की विसंगतियां हैं, एनोमलीज हैं, उनके संदर्भ में। कई सारे ऐसे पॉइंट हैं इसमें जिनको फर्स्ट टाइम एड्रेस किया गया है। ये आपके धरने का ही असर है। जब आप एक यूनाइट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, 3 अप्रैल को हर जगह आप अपना ज्ञापन दीजिए, और उसके बाद एक छत्र छाया, इकट्ठे एक संगठित होके एक होके खड़े हो जाइए, और फिर सरकार अपने आप आपसे बात करेगी। तो दोस्तों, ये आपके जो 40 दिन जो आप